दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैरिन कैथरीन वोल्डेग्रेव के बारे में, जिसने ईयर 2011 में फेसबुक पर कुछ नंबर्स पोस्ट करना शुरू किया जिसका कोई मतलब नहीं होता था। और इसमें एक वियर्ड बात तो ये थी कि वो अपनी पोस्ट का रिप्लाई भी खुद ही किया करती थी। ऐसा काम अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करे तो हम यह कहकर इस बात को टाल सकते हैं कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, बट यह लड़की 8 लैंग्वेजेस जानती थी, जैसे फ्रेंच, एस्टोनियन, लेवटियन, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन, जर्मन, और यही नहीं, इसने टोरंटो के एक कॉलेज से PhD की हुई थी और यह कई कंट्रीज में भी ट्रैवल कर चुकी थी। तो इतनी एजुकेटेड लड़की का ऐसी मिस्टीरियस पोस्ट लिखना कोई आम बात नहीं हो सकती। अपने इन मिस्टीरियस पोस्ट के बीच में उन्होंने कई फेमस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पोस्ट करना शुरू कर दिया, एग्जांपल के तौर पर FBI, CIA, मैन इन ब्लैक, नाजीज और इलाइट। कैरिन अपना पूरा दिन इन लंबी लंबी पोस्ट को लिखने में बिता देती थी, जो कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। अगर वो ऐसा किसी प्रोग्राम के थ्रू भी किया करती थी तो क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों करती थी। और ईयर 2016 में कैरिन ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया और वो इंटरनेट से गायब हो गई, और ये बात हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कैरिन ऐसी पोस्ट क्यों डाला करती थी? अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।